सो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक नया APN सेटिंग बताने वाले हैं। तो सबसे चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सेटिंग में जाना है, उसके बाद अपना सिम कार्ड एंड मैनेजर में जाना है, या फिर डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क भी हो सकता है आपके फ़ोन में। उसके बाद आपको यहाँ अपना सिम चूज़ कर लेना है, जियो सिम। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट नेम बोल के यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। दो APN और है, तो इस APN सेटिंग को देखने के लिए मेरे पुराने वीडियो उसमें जाकर देख सकते हो। तो अब यहाँ पर रेजेट नीचे ऑप्शन है, उस रेजेट बटन को दबा दीजिए तो आपको फिर से रेजेट हो जाएगा। उस पर में आप प्लस का आइकॉन देख सकते हो, उस आइकन पर क्लिक करना है। हो सकता है आपका आइकन नीचे भी दिया हो सकता है। उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आता है नेम, तो नेम में आपको लिखना है यहाँ पर, तो नेम में लिखना है जियो, जो कि जे कैपिटल होगा, जियो, और एक स्पेस देके फाइवर, जो कि एफ कैपिटल होगा। उसके बाद आपको कर देना है सिंपली सा सेव। उसके बाद आता है APN, APN में आपको लिखना है जियो, जो कि फाइवर, एफ कैपिटल होगा और फाइवर लिख देना है। उसके बाद आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है यूज़र नेम, यूज़र नेम में आपको यहाँ पर लिखना है सिर्फ जियो, जो कि जे कैपिटल होगा और आईओ। उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद आता है पासवर्ड, पासवर्ड को नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर में आपको यहाँ पर लिखना है गूगल, जो कि जी कैपिटल होगा, बाकी GOOGLE गूगल। उसके बाद सेव कर देना है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह का सेटिंग करते रहिए, आपका जो इंटरनेट APN सेटिंग है वो आपका इंटरनेट तेज कर देगा, स्पीड कर देगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो उसके बाद आता है MMSC, MMS प्रोक्सी, MMS पोर्ट, MCC, MNC, ये सारे को मत छेड़िएगा। ये आपका एरिया कोड है, दो MCC और MNC, इससे आपका इंटरनेट स्पीड और भी धीरे धीरे हो जाएगा। सो इसको मत छेड़िएगा। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको पेपर चेप कर देना है, सबसे नीचे वाले में पेपर चेप। उसके बाद आता है APN प्रोटो, APN टाइप, इसको नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, इसको IPv4 और IPv6 कर दीजिए सबसे नीचे वाले में। आता है APN प्रोटोकॉल, इसको IPv4 और IPv6 कर देना है। उसके बाद आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी आपको IPv4 या IPv6 हो सकता है आपके फ़ोन में, तो आपको सबसे नीचे वाले IPv4 और प्लस IPv6 में कर देना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग APN का जो होता है वो बेरर को आपको सबसे अच्छा से देखिए, वरना आपका इंटरनेट स्पीड नहीं होगा। तो बेरर को आपको अनस्पेसिफाइड में से LTE अनटिक करके LTE और GPRS और सबसे नीचे वाले के दो, ठीक है, LTE, GPRS और सबसे नीचे वाले में दो, देखिए यहाँ पर दो, इस तरह करके। और अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते हैं तो सिर्फ LTE में क्लिक करके छोड़ दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर पूरा APN अब हालांकि हो ही चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ MVNO टाइप है, तो इसको नन रहने दीजिए और ऊपर में जाके सेव कर दीजिए, या फिर आपका नीचे भी सेव का ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार जियो फाइबर वाले APN में एक बार टच कर देना है। उसके बाद आपका जो इंटरनेट स्पीड है बेहतर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बढ़िया लगा होगा।